असली रामपुर जाना है, उपचुनाव चल रहे हैं और यहाँ पर बाढ़ के कुछ काम चल रहे हैं, हमें उसका स्थलीय निरीक्षण करने जा रहा हूँ। योगी सरकार की मंशा है कि इस बार किसी को हानि न हो, खेत को भी हानि न हो, जन को भी हानि न हो, जानवर का भी हानि न हो। तो जितने बाढ़ की परियोजना चल रही है वह समय से पूर्ण हो जाए, इसलिए स्थलीय निरीक्षण के लिए हम लोग बराबर चले। कल बलिया में थे, आज यहाँ थे, शाम को रामपुर चुनावी जनसभा है तो शाम को वहाँ पहुँचेंगे। जो सरकार की हम लोगों की मंशा है और मंत्रिमंडल भी पूरी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है कि जो 100 दिन का लक्ष्य है, 6 महीने का लक्ष्य है, वो 2 साल का लक्ष्य है, वो हम लोग समय से पूर्ण करें, इसलिए परिश्रम की पराकाष्ठा अधिकारीगण और सभी लोग कर रहे हैं। इसी के निमित्त आज रामपुर क्या है, लोग आक्रोश पैदा कर रहे हैं, ये युवाओं के हित में है और इससे युवाओं को बहुत लाभ मिलने वाला है। ये लोग बोल जो विपक्ष के हमेशा राजनीतिक दल होते हैं, जैसे राजनीतिक दल जितने भी हैं वो कभी भी राष्ट्रहित में काम करने की ऐसे रचनात्मक भी विचार करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, 70 सालों से हो, इसी समाज को भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा, 14 से राजनीति के क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन हो, लोगों की सोच बदली। आज जातिवाद की बात नहीं होती है, क्षेत्रवाद की बात नहीं होती है, व्यक्तिवाद की बात नहीं होती है, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात नहीं होती है, अब राष्ट्रवाद की बात होती है। अब नौजवानों को लगता है कि विश्व में मेरा सम्मान बढ़ रहा है, पहले अब दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ रहा है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी हिंदुस्तान के वैज्ञानिक हों, चाहे यहाँ के युवा हों, डॉक्टर हों, सभी मिलकर, स्वच्छता कर्मी हों, सिपाही हों, पुलिस हों, सभी मिलकर राष्ट्र के लिए संघर्ष किया और 125 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया। इसमें राजनीतिक दल गुमराह कर रहे थे, ये टीका मोदी का है, टीका बीजेपी का है, ये हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन को हवा दिया, लेकिन किसानों के क्षेत्र में कौन निपटा? मेरठ हुआ, मथुरा हुआ, गाजियाबाद हुआ, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, असली रामपुर जाना है, उपचुनाव चल रहे हैं और यहाँ पर बाढ़ के कुछ काम चल रहे हैं, हमें उसका स्थलीय निरीक्षण करने जा रहा हूँ। योगी सरकार की मंशा है कि इस बार किसी को हानि न हो, खेत को भी हानि न हो, जन को भी हानि न हो, जानवर का भी हानि न हो। तो जितने बाढ़ की परियोजना चल रही है वह समय से पूर्ण हो जाए, इसलिए स्थलीय निरीक्षण के लिए हम लोग बराबर चले। कल बलिया में थे, आज यहाँ थे, शाम को रामपुर चुनावी जनसभा है तो शाम को वहाँ पहुँचेंगे। जो सरकार की हम लोगों की मंशा है और मंत्रिमंडल भी पूरी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है कि जो 100 दिन का लक्ष्य है, 6 महीने का लक्ष्य है, वो 2 साल का लक्ष्य है, वो हम लोग समय से पूर्ण करें, इसलिए परिश्रम की पराकाष्ठा अधिकारीगण और सभी लोग कर रहे हैं। इसी के निमित्त आज रामपुर।
सर अग्नि अग्नि योजना है उसका काफी विरोध हो रहा है, उसके बारे में बता दीजिए। क्या है, लोग आक्रोश पैदा कर रहे हैं, ये युवाओं के हित में है और इससे युवाओं को बहुत लाभ मिलने वाला है। ये लोग कौन है? जो विपक्ष के हमेशा राजनीतिक दल होते हैं, जैसे राजनीतिक दल जितने भी हैं वो कभी भी राष्ट्रहित में काम करने की ऐसे रचनात्मक भी विचार करना चाहिए, चाहे कांग्रेस 70 सालों से हो, इसी समाज को भ्रष्टाचार के माध्यम से लूटा। 14 से राजनीति के क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक परिवर्तन है, लोगों की सोच बदली। आज जातिवाद की बात नहीं होती है, क्षेत्रवाद की बात नहीं होती है, व्यक्तिवाद की बात नहीं होती है, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात नहीं होती है, अब राष्ट्रवाद की बात होती है। अब नौजवानों को लगता है कि विश्व में मेरा सम्मान बढ़ रहा है, पहले अब दुनिया के अंदर देश का सम्मान बढ़ रहा है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी हिंदुस्तान के वैज्ञानिक हों, चाहे यहाँ के युवा हों, डॉक्टर हों, सभी मिलकर, स्वच्छता कर्मी हों, सिपाही हों, पुलिस हों, सभी मिलकर राष्ट्र के लिए संघर्ष किया और 125 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया। इसमें राजनीतिक दल गुमराह कर रहे थे, ये टीका मोदी का है, टीका बीजेपी का है, ये हमेशा कुछ न कुछ करते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन को हवा दिया, लेकिन किसानों के क्षेत्र में कौन निपटा? मेरठ हुआ, मथुरा हुआ, गाजियाबाद हुआ, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, एक तरफा किसानों ने सफाया कर दिया।